योग शरीर मन और बुद्धि को जोड़ता है। आज योग मानवता को भी जोड़ रहा है। इस शताब्दी में हम अनुभव कर रहे हैं कि योग ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। विश्व का हर व्यक्ति चाहता है कि तनाव मुक्त पीड़ा मुक्त जीवन हो, बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन हो। इन सबको अगर किसी एक मार्ग से पाया जा सकता है तो वह योग का मार्ग है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी से मुक्ति मात्र नहीं है, इसका अर्थ सुखी जीवन है। सुखी जीवन प्राप्ति का मार्ग योग है। योग हमें सिखाता है कि कैसे संतुलित जीवन जिया जा सकता है। हमें सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है जो तनाव को दूर रखे और हमें अपने कार्य को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। यह सब योग के नित्य अभ्यास से संभव है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। सार रूप में कहें तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु या आदि योगी हैं। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और इससे संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया। आज संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योग अभ्यास से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। सुखद योगाभ्यास की शुभकामनाएं। धन्यवाद।